दोस्तों, अगर आपने भी 2019, 20, 21 और 22 में इन सभी ईयर में अगर आपने मैट्रिक इंटर से पास आउट किया है और आपको अभी तक कोई भी स्कॉलरशिप वाला पैसा नहीं मिला है, जैसे कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना या फिर मुख्यमंत्री मेगा वृत्ति योजना, इन सब में से किसी का भी आपको एक भी रुपया नहीं मिला है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक अंतिम मौका दिया जा रहा है। जल्दी से यहाँ पर आप लोग उनके लिए फॉर्म फिलअप भरना शुरू कर दें, क्योंकि उन सभी के लिए आखिरी मौका दिया जा रहा है और उनका यहाँ पर लिंक को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। आप लोग इनका लाभ ले करके इनका प्रोत्साहन का पैसा उठा सकते हैं। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले आपको मेगासॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर आने के बाद आपके सामने इनका इंटरफेस इस तरीके से खुल करके आ जाता है। सबसे ऊपर में यहां पर देखिए स्नातक का दिया हुआ, लेकिन आप यहां पर नीचे आएंगे तो देखिए यहां पर दिया गया मुख्यमंत्री बालक बालिका 10th पास प्रोत्साहन योजना। यानी कि अगर आपने मैट्रिक में बालक बालिका, लड़का हो या लड़की, 19, 20, 21, 22 इन सब में से अगर आपने मैट्रिक पास किया है और आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो दोस्तों उनके लिए यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। इनका लास्ट डेट यहाँ पर देख पा रहे कि 31 मई 2023 रखा गया है। इनसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। नीचे आएंगे तो देखिए इंटर के लिए भी यहाँ पर जो आखिरी मौका दिया जा रहा है। अगर आप यहाँ पर इंटर 19, 20, 21, 22 में पास आउट हुए हैं और आपको मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का पैसा नहीं मिला है, जो कि लड़की को दिया जाता है, उनका भी यहां पर ऑनलाइन फॉर्म भरवाया जा रहा है। इनका भी लास्ट डेट 31 मई 2023 रखा गया है। दोस्तों, मैं आपको यहां पर एक बात क्लियर कर देता हूं, इंटर में अगर आप यहां पर फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं तो लड़की को 15,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाता है, और कन्या उत्थान योजना के लिए अगर आप यहां पर फॉर्म भरते हैं तो आपको 25,000 रुपए की राशि अलग से दी जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह किस टाइप का स्कॉलरशिप है। सेम इसी प्रकार यहां पर जब मैट्रिक में भी मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना का मिलता है और मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन पे 10,000 मिलता है, अगर आप एससी एसटी कास्ट से आते हैं तो उनको यहां पर 8,000 रुपए की राशि सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन वालों को दी जाती है। तो इस तरीके से यहां पर इनके लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। यह अगर दोस्तों यहां पर देखिए मुख्यमंत्री मेगा वृत्ति योजना के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी, यानी कि अगर आप फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन किए हैं इंटरमीडिएट से, तो इनके लिए भी आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं, जो कि 19, 20, 21, 22 के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। इनका भी लास्ट डेट 31 मई 2023 रखा गया है। तो बात करते हैं कि आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इनकी वेबसाइट पर आ जाएंगे। अगर आपको यहां पर मैट्रिक का भरना है तो मैट्रिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, 19 का अप्लाई करेंगे, 19 में आपने पास किया तो अप्लाई फॉर ऑनलाइन 19 वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने 20 में पास आउट हुआ है तो इस तरीके से ईयर वाइज दिया गया उसी वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। अगर आप यहां पर इंटर में पास आउट किए हैं, जैसे कि मान लेते हैं 2022 में आपको पैसा नहीं मिला, तो अप्लाई फॉर ऑनलाइन 2022 वाले लिंक पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उनका ही आपका पर फॉर्म भरने का इस तरीके से यहां पर खुल करके आ जाता है, और सबसे पहले आपको अपना लिस्ट में नाम चेक कर लेना है, तभी जाकर के आपको अप्लाई करना है। तो लिस्ट में नाम चेक करने के लिए इस तरीके से यहां पर देखिए अप्लाई फॉर आ चुका है, तो यहां पर भी आपको देखने को मिल जाता है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट देखने को मिल रहा है। तो कई सारे यहां पर जानकारी दी गई, आप इनको रीड करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। स्टेटस भी आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज टोटल समरी लिस्ट दिया गया है। यहां पर रिजेक्टेड लिस्ट उनका यहां पर जारी किया गया है। अगर आप इनका स्टेटस देखना चाहते हैं, क्लिक हियर टू व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे, आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं भरा तो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको अपना पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना और सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अगर आप इलिजिबल होंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, तो ही आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, लिस्ट में नाम देखने के लिए आपको क्या करना है, यहां पर देखिए रिपोर्ट वाला ऑप्शन दिया गया, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उनके बाद वेरीफाई नेम एंड अकाउंट डिटेल, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है। यहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार यहां पर जो खुल करके आ जाता है। यहां पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, उनके बाद जो भी आपका कॉलेज पढ़ता होगा, जिस कॉलेज से अगर आपने यहां पर पास आउट हुए हैं वो वाला कॉलेज आपको यहां पर जो सिलेक्ट कर लेना है। यहां पर थोड़ा टाइम लगता है, आपको वेट कर लेना है। तो चलिए हम यहां पर कोई एक रैंडमली एक कॉलेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, व्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने लिस्ट यहां पर खुल करके आ जाता है। इस लिस्ट में अपना नाम एक बार जरूर देख लेंगे कि आपका इस लिस्ट में नाम है या फिर नहीं है। इस प्रकार यहां पर देखिए लिस्ट खुल करके आ
आ जाता है। और यहाँ पर अगर आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर देखिए भुगतान किया गया या फिर नहीं किया गया, तो यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं। अगर आपका छूटा हुआ है तो आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप लिस्ट में नाम देख लेंगे। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको क्या करना है, स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इंटर वाले साइट पर जाएंगे तो सेम ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, मैट्रिक वाले पे जाएंगे तो ऐसे ही देखने को मिलेगा, सेम वही प्रोसेस है। स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से खुल जाने के बाद यहीं पर आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि 2022 के लिए यहां पर खुला हुआ है क्योंकि हमने 2022 का ही क्लिक किया था। तो इस तरीके से आपको यहां पर सभी वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर टिक आउट कर देना, आप इनको एक बार रीड करके जरूर पढ़ लेंगे। यहां पर बताया गया कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार फॉर्म खुल करके आ जाता है। यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, इस वाले बॉक्स में जो भी स्टूडेंट का नेम होगा वो आप यहां पर फिलअप करेंगे। यहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, कितना मार्क्स आया वो आपको यहां पर बताना है, मैरिड है अनमैरिड है वो आपको यहां पर यस नो में बताना है। उनके बाद यहां पर देखिए आधार वेरिफिकेशन के लिए जो भी आपका आधार कार्ड में नाम दिया गया वो आधार कार्ड में नेम जैसा दिया गया वैसा नेम आपको यहां पर जो टाइप कर देना है। उसके बाद यहां पर जेंडर देखिए ऑटोमेटिक फीमेल ही रहेगा क्योंकि फीमेल को ही दिया जाता है। यहां पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, इस वाले बॉक्स में आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। इतना डिटेल डालने के बाद आपको वेरीफाई आधार नंबर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डिटेल है वो वेरीफाई हो जाएगा। उनके बाद एक मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाएगा तो यहां पर आपको एक मोबाइल नंबर दे देना है। जनरेट ओटीपी फॉर मोबाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एक बॉक्स मिलेगा ओटीपी फिलअप करने के लिए, ओटीपी डाल करके वेरीफाई कर लेंगे। उनके बाद यहां पर आपको ईमेल आईडी का भी ऑप्शन मांगा जाता है, यानी कि आपको एक ईमेल आईडी देना है और जनरेट ओटीपी फॉर ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी में ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल करके आप वेरीफाई कर लेंगे। उनके बाद आपको ऑप्शन मिलता है बैंक डिटेल का, यहां पर आपको अपना आईएफएससी कोड डालना है, ऑटोमेटिक यहां पर बैंक का नेम आ जाएगा। सही सही आपको बैंक अकाउंट नंबर इस वाले बॉक्स में डाल देना है जिसमें आप पैसा लेने वाले हैं। उनके बाद कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर इस वाले बॉक्स में आपको दोबारा से डालना है। प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। उनके बाद सबमिट का ऑप्शन मिलता है, जैसे आप सबमिट कर देंगे तो सक्सेसफुली यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और एक प्रिंट आउट मिलेगा, आप इनको निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। उनके बाद आपको क्या करना, आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है जिनके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर लॉगिन फॉर स्टूडेंट का ऑप्शन मिल जाता है। उनके बाद यहां पर आपको लॉगिन करना पड़ता है तब जाकर के आप आगे फॉर्म को फाइनलाइज करेंगे। और यूजर आईडी पासवर्ड आने में आपको 7 दिन 15 दिन भी लग जाते हैं। तो जब भी यूजर आईडी मिलेगा तो यहां पर आपको यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे तो आपको फॉर्म को फाइनलाइज करना पड़ता है, तब करके फॉर्म सबमिट होता है। अगर आपको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिलता है तो यहां पर आपको गेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो यहां से भी आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड को मंगा सकते हैं, लेकिन 6-7 दिन के 10 दिन के बाद ही आपको यहां पर ऑप्शन काम करेगा। तो यहां पर आप होम वाले ऑप्शन पर आएंगे तो नीचे यहां पर देखिए साफ तौर पर बताया गया कि यूजर आईडी और पासवर्ड जाने के बाद 7 दिन के अंदर आपको फॉर्म को फाइनल सबमिट करना अनिवार्य है, नहीं तो आपका फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से यहां पर जो सभी स्टूडेंट को आखिरी मौका दिया जा रहा है, आप इस लास्ट डेट के अंदर अपना फॉर्म फिलअप जल्दी से कर ले। अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो इसके बाद हो सकता है कि आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग मैट्रिक इंटर के लिए अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो जल्दी से आप लोग फॉर्म फिलअप कर दें क्योंकि इनका लास्ट डेट 31 मई 2023 रखा गया है।